अंतरिम बजट से निराशा, विधानसभा पर सत्याग्रह 4 फरवरी से। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैजनाथ यादव ने 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट से निराश होकर विधानसभा के सामने 3 दिवसीय सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। इस बार उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एएसडीएम मुख्यालय अनीता को सौंप दिया है। 3 फरवरी को वह काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे। बैजनाथ यादव ने दावा किया है कि वित्त मंत्री की ओर से पारित यह अंतरिम बजट 2024-25 पूरी तरह से निराशाजनक है। बजट में न तो गरीबों, मजदूरों, किसानों का हित देखा गया है, न बंद पड़े कल कारखानों को क्रियाशील करने का कोई तन्मयता दिखाई गई है। सरकारी विभागों में खाली पड़े पद इस सत्र में भी खाली रह जाएंगे, क्योंकि 70% से अधिक पद रिक्त होने का परिणाम है कि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्ञानपुर में प्राचीन राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय की श्रेणी में है। जब पर्याप्त बजट मिलेगा तभी विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल सकेगा। चीनी मिल और आई उगापुर हवाई पट्टी, छोटे बड़े लघु सेतु उधर में है। हमारी जिज्ञासाएं सिर्फ विकास परक सोच से जुड़ी है, जो बजट में निराशाजनक साबित हो रही है। ज्ञापन सौंपने के बाद LIU सक्रियता बढ़ी है। 3 दिवसीय सत्याग्रह से जिम्मेदारियों को जगाने का कार्य करेंगे। ज्ञापन सौंपते समय आम आदमी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पिछड़ा वर्ग, किसान संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह मामला बजट के विरोध में है। बजट निराशाजनक है, जिसमें कितनी नौकरियां खाली हैं देश में, कितनी भरी जाएंगी, रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी। KNPG को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम 4 साल से भूखा सत्याग्रह कर रहे हैं। हक अधिकार के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने सिर्फ 1 लेटर दिया है और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम उसी के विरोध में विधानसभा के सामने 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी को भूखा सत्याग्रह रखेंगे। समय होगा 11 बजे से 5 बजे तक। जिला मुख्यालय पर आपका भी भूखा सत्याग्रह जारी है, कितने दिन हो गया? आज 1139 दिन पूरा हुआ। यह जाति जनगणना को लेकर, EVM मशीन हटाने को लेकर, किसानों की आय दोगुना कराने को लेकर, हक अधिकार को लेकर, संविधान बचाओ देश बचाओ, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से दूर भगाओ, क्योंकि तानाशाही चरम पे है, देश की स्थिति बहुत विपरीत है, इसके लिए मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। बजट में ऐसा कौन सा निराशाजनक आपके सामने आया है कि आपने विधानसभा के सामने ये सब भूखा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया? शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है इस बजट में। यूनिवर्सिटी नहीं बनाने की बात कही गई है। हमारे शिक्षण संस्थान कमजोर किया गया है। जब तक शिक्षण संस्थान नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है, रोजगार को महत्व नहीं दिया जा रहा है। कितनी नौकरियां बाकी है विभागों में, बजट में वह आना चाहिए, वह सामने नहीं आया हुआ। क्या अपने इस मांग में यहाँ पे जितने भी कार्यालय, जैसे तकनीकी संबंधित कार्यालय, जल निगम, सिंचाई के हालात बहुत जर्जर है, क्या ये भी मामले आप उठाएंगे? हमारे मुद्दे सभी विकास के लिए हैं और सभी मुद्दों को मैं लेकर चल रहा हूँ, जो जन सुविधा के लिए है और जनता के हित के लिए है, भदोही के विकास को लेकर के है, भदोही लोकसभा के विकास को लेकर के है, हक अधिकार को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा को लेकर के है। मैं सभी मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ कि ये सरकार लोगों की बात नहीं सुन रही है, दमनकारी नीति अपनाकर यह सांसदों का निलंबन कर रही है, सांसद को बर्खास्त कर रही है, विधानसभा यह सिर्फ दबाने काम कर रही है। विधानसभा के बाद आप पुनः लौटेंगे? मैं विधानसभा 3 दिन भूखा सत्याग्रह करने के बाद मैं फिर यहाँ पे 7 फरवरी को सुबह आ जाऊँ काशी विश्वनाथ से। मैं पुनः अपने सत्याग्रह स्थल जिला मुख्यालय सपदा भदोही पर आकर के फिर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। इस संबंध में आपने पत्र किसको सौंपा है? मैं SDM मुख्यालय मिसेज अनीता जी को मैंने दिया हुआ है, जो कि उन्होंने स्वीकार किया है पत्रक, और राष्ट्रपति महोदया जी के नाम पत्रक है।